नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का जो तीसरा लेसन है दिल्ली की सल्तनत, इसके प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो उत्तर होगा राजपूत चौहान। तोमर के राजपूत चौहानों ने दिल्ली में सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकालों के प्रशासन की भाषा क्या थी? उत्तर है फारसी भाषा। प्रश्न नंबर 3 में, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किया गया था, मतलब सबसे ज़्यादा है वो सबसे विस्तार किसके काल में हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को। अफ्रीका के रास्ते से वो क्या आया था? भारत आया था। प्रश्न नंबर 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना क्यों जरूरी था? हमने ये पढ़ा था कि जो किसान है और जो सेना नायक है उनको राजा की तरफ से जो इनाम दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, और उस वेतन का जो कर के रूप में लेते थे वो किससे लेते थे? किसानों से लेते थे। तो इसलिए किसानों के लिए मतलब खुशहाल जीवन और प्रसन्न रहना भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो राजा न्याय और ईमानदार होगा वहाँ का क्या होगा? प्रशासन भी क्या होगा? बढ़िया होगा। और जब प्रशासन बढ़िया होगा तो वो क्या होगा कि वेतन है वो भी अच्छा देंगे। जब वेतन अच्छा देंगे तो किसान से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और अच्छे टैक्स के अलावा हम क्या ले सकते हैं? खाद्य सामग्री भी ले सकते हैं। तो अब इसका प्रश्न देखो बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बड़ा और रिपीट करके बता रही हूँ कि न्याय चक्र के अनुसार, ठीक है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी था कि सैनिकों को वेतन मिलता रहे, जो राजस्व इकट्ठा होता है उसके द्वारा, ये देखो जो राजस्व इकट्ठा होता है उनके द्वारा, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका पाएंगे जब वो क्या होंगे? जब वो खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। और जब खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रशासन भी क्या होगा? अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 6, सल्तनत के जो भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? जब हमारा कोई ये राज्य है, ये ठीक है, राज्य का जो आंतरिक भाग होता है आंतरिक भाग को कहते हैं भीतरी सीमा, ओके, और जो ये बाहरी क्षेत्र है इसे कहते हैं बाहरी सीमा। तो यहाँ पर जिसका राज्य होता है वो कौन सा हो गया? आंतरिक सीमा या आंतरिक राजा, और बाहरी हो गया वो क्या होगा? बाहरी राजा। अब इसमें बोला है कि भीतरी सीमा का अभिप्राय जो गैरीसन शहर बनाए गए थे उन शहरों के अंदर जो नए शहरों का निर्माण किया गया था उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था की देखरेख, और बाह्य सीमा अर्थात जो नए शहर बनाए गए थे उनके जो बाह्य भाग, जो पृष्ठभूमि, जो दूर देश या दूर क्षेत्र है उसे बाह्य सीमा कहा गया है। अब प्रश्न नंबर जो 7 है, देखो 7 में उन्होंने क्या कहा है कि मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन कौन से कदम उठाए गए थे, और उसके लिए जो सुल्तान, मतलब आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके अनेक क्या कारण थे? तो पहला कारण देखो, क्या कारण दे रखा है, वो कहता है कि उनकी नियुक्ति वंश परंपरागत के आधार पर नहीं की जाती, ठीक है, नंबर 1।
कोई भी नियुक्ति है वो वंश परंपरागत आधार पर न करके योग्यता के आधार पर करते थे। दूसरा, उन्हें भी एकता क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था, अर्थात कोई ऐसी भूमि दी जाती थी जिस भूमि पर वो क्या करते थे, अपनी पैदावार कर सके, या किसानों को कुछ समय के लिए भूमि देते थे जिससे उसका भरण पोषण हो सके, उसके बाद वो राजा अपनी भूमि ले सकता था। ठीक है। तीसरा, मुक्ति लोगों का समय समय पर क्या होता था, स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता था, स्थानांतरण किया जाता था प्रशासनिक व्यवस्था की देख रेख के लिए। चौथा, यदि जो टैक्स लिया जाता था, क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसका हिसाब किताब है पूरी अच्छी और ईमानदारी के साथ में उसका लेखा जोखा और इसकी नियुक्ति किए जाने पर था। ठीक है। और लास्ट में पांचवा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति राज्य द्वारा, ठीक है, मुक्ति राज्य द्वारा जो निर्धारित कर ही वसूले, इसके अलावा कोई तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे गए, मतलब वो खुद की तरफ से न करके राजा की तरफ से शासन का व्यवस्था की देख रेख करता था, और जो प्रशासनिक व्यवस्था को जो अधिकारी होता था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज सकते थे, वो किसी परंपरागत न होकर योग्यता के आधार पर आधारित होता था। तो ये सारा टॉपिक है अपना प्रश्न नंबर 7 का है। आज हम इतना ही करेंगे और कल जो है अपने क्या करेंगे, नए जो 8 से लेकर बाकी जो प्रश्न है उसका हम करेंगे। जय हिंद।